गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और डेथ ऑफ पार्टनर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में आना ही आना है। और इसके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आता तो एग्जाम में एक ही है, पर क्योंकि आपके 3 सेट्स आते हैं तो तीनों सेटों में हो सकता है कि अलग अलग मेथड से आए। तो एक टर्नओवर बेसिस पे होता है, एक एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे होता है, मैं हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, तो इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, तो आप तीनों पार्ट देखना, तो डेथ ऑफ पार्टनर के 4 मार्क्स तो आपके आई जाएंगे। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि हर स्टेप मार्किंग के कैसे कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, वो भी मैं इसमें क्लियर कराऊंगा। और सबसे आसान टॉपिक है इस पूरी बुक का, सबसे आसान टॉपिक है तो वो है डेथ ऑफ पार्टनर। तो आज वन शॉट में आप क्लियर करेंगे इसे, डेथ ऑफ पार्टनर को। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ना सेल्स टर्नओवर वाला क्वेश्चन है, ये कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27 टीएस ग्रेवाल का 2023 एडिशन है। इसमें एक ही अकाउंट बनता है वैसे भी, द बैलेंस शीट ऑफ साधु राजा और एंड करण वर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:4 एज एट 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट दे रखी है और साधु की डेथ हुई है 31 जुलाई 2023, तो इसके केवल इसी का अकाउंट बनेगा, जिसकी डेथ हो रही है केवल उसी का बनता है कैपिटल अकाउंट। इस ये टॉपिक ऐसा है, इसमें वर्किंग नोट के भी मार्क्स हैं। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि वर्किंग नोट नहीं बनाना, इसमें वर्किंग नोट बनाओगे उसके भी नंबर मिलेंगे, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है। जिस चीज में वर्किंग नोट बनाना है आपको, वैसे ही वर्किंग नोट एग्जाम में भी बनाना होगा, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अभी ना समझ में आ रहा है बेटा? गुड, कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा। और आपस में बातचीत बिल्कुल ना करें, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसमें दे रखी है जिसकी डेथ हो रही है उसकी कैपिटल देखो 80,000 दी हुई है, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, इसको लिखने के हाफ मार्क्स मिलते हैं आपको बोर्ड में। ठीक है, कह रहा मैं इतना ही लिखूंगा बस, हो गया काम। यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है 10,000, इसमें इसका हिस्सा देखो, क्योंकि जो रेशियो है हमारा 4:2:4 है, तो इसका जनरल रिजर्व इसके हिस्से का निकालेंगे, दस हजार का 4/10, इससे लिखने के भी आप मार्क्स। सर एक नंबर तो आ ही गया हमारा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक नंबर तो आप ले ही जा रहे हो, बहुत है तो आप जा सकते हो क्लास से बाहर। अच्छा, एक और भी इसमें देखें, लायबिलिटी साइड में तो हमारा क्लियर हो गया, एसेट साइड में आपको लोन अकाउंट दिया हुआ है, साधु का लोन अकाउंट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसका एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, साधु लोन अकाउंट, ये ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा ही अकाउंट बनेगा, एक ही लाइन का है, तो आप इसको ऐसे ही बना दें। एसेट साइड में है तो इसका बैलेंस आएगा टू साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट्स में कितना लोन है इसका 20,000 का, और इसको हम शिफ्ट कर देंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। कहां शिफ्ट कर देंगे इसको? कैपिटल अकाउंट में, बाय साधु लोन अकाउंट। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? इसको ले क्वेश्चन में, बस यही एक एडजस्टमेंट अलग थी। समझ में आया ये? दोबारा समझाऊं बेटा, एसेट साइड में दिया हुआ, देखो बैलेंस शीट की एसेट्स में साधु का लोन दिया हुआ 20,000,
तो इसका बैलेंस होता है 2 में, इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो इसके में यहां आ जाएगा 2 साधु लोन अकाउंट। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। साधु की डेथ हुई 31 जुलाई, तो अप्रैल के बाद मंथ गिनो, सॉरी मार्च के बाद गिनोगे, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हुए, ठीक है ना। मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि एंड में मर रहा है, तो अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी 4 मंथ्स की होगी। नीचे पहली एडजस्टमेंट कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसके वर्किंग नोट्स का भी नंबर है और इसका भी नंबर है, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है नीचे फिफ्थ फोर्थ पॉइंट देखो, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का है 55,000। आपको एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ है तो अब इसमें कुछ कैलकुलेशन बनती नहीं है, नहीं तो गुडविल की कैलकुलेशन करनी थी आपको। तो 2 ईयर परचेज है तो गुडविल की, गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप जो गुनगुना रहे हो यहां तक आवाज आ रही है, इसलिए गुनगुनाए ना, यहां ध्यान दे, कहा ना 4 नंबर आज लेके जाओगे, ध्यान यहां रखोगे तभी आएंगे। मिस्टर रवि गोयल यहां देखें, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 55,000 और गुडविल की वैल्यू कितना कह रहा है 2 ईयर परचेज, तो गुडविल कितनी आ गई, ये जो 1,10,000 की गुडविल आई है ये फर्म की गुडविल है, किसकी गुडविल है, तो इसमें साधु का शेयर निकालेंगे, एक लाख दस हजार में 4/10 करो कितना आएगा 44,000। क्या ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे गुडविल जो आ गई हमारी ये निकल के आ गई। अब इसको हम बांटेंगे गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो। अब बेसिकली क्या है कि जब इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग से न्यू रेशो दिया नहीं है तो ओल्ड रेशो ही हमारा गेनिंग रेशो बन जाएगा। तो गेनिंग रेशो क्या है, क्योंकि रेशो क्या था हमारा 4:2:4, ये चला गया तो क्या बचा 2:4, यानी कि 1:2:2, ठीक है 1:2:2। तो 44,000 को 1:2:2 में बांट दो, कितना आ रहा है, कोई बात नहीं वो सब राउंड ऑफ ही आएगा, 44,000 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे आ जाएगा। एक तो किस कौन है, कौन कौन पार्टनर है इसमें, राजा और करण बाय राजा कैपिटल, करण कैपिटल। तो अब देखें एक का तो आ रहा है 4,4,6,7, हाँ एक का 2,9,3,3,3 करोगे तो ये 44,000 ही आएगा, ठीक है। अब यहां देखें, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 5% पर एनम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितने की है उसकी 80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, 5% और कितने महीने का निकालेंगे 4 मंथ का, 4/12, ये ध्यान रखें 4/12 जरूर करना है, तो 4/12 नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, सीधा 5% निकाल देते हैं। तो 80,000 × 5% 4,000 आएगा, इंटू 4/12 करोगे तो 133,333 आएगा। यहां तक समझ में आया, यस और नो? चलिए इसके भी आपको हाफ मार्क्स क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इसका बचा है लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि जो इसका वर्किंग नोट आपको पूरा बनाना पड़ेगा। साधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस टिल ऑफ डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 किया 4,50,000 और 1 अप्रैल
से 31 जुलाई 2023 तक है 2,70,000। प्रॉफिट 31 मार्च 2023 का था 1,25,000। तो पहले हम जो निकालेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो वर्किंग नोट नंबर एक ये है, कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। अब ये कैसे कह रहा है? ये सेल्स पे कह रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो लास्ट ईयर का कितना है, 1,25,000। 1,25,000 है और लास्ट ईयर सेल्स कितनी थी हमारी टोटल? 4,50,000। कितनी सेल थी? 4,50,000 इंटू 100 करो। देखो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100 करो तो 27.77%। ठीक है, उसके बाद उस पीरियड की सेल देखो कितनी है हमारी, 2,70,000 जब वो मरा था। सेल 1,4,2023 तो 31/3/2023 तक थी 2,70,000 और इस पे जो प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट प्रॉफिट आएगा 2,70,000 का 27.77 डिवाइडेड बाई 100। अब परसेंटेज निकाल लो उसका, वो आया 75,000। कितना आया? 75,000। समझ में आ गया? और इसमें साधु का शेयर निकाल दो, में इसका शेयर है 4/10। 75,000 क्या आया हमारा प्रॉफिट, तो इसका आया डिवाइडेड बाय 4 सॉरी डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 30,000 आया। हाफ मार्क्स ये हैं और हाफ मार्क्स ये है। तो 84 प्लस 44 प्लस 29 1,333 प्लस 30,000 ये आया 159,333। इसमें से माइनस कर दो 20,000 तो ये आ जाएगा 139,333। यही आ रहा है, ठीक है। और ये जो बैलेंस है इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसे लिखेंगे साधु एग्जीक्यूटर अकाउंट। और 1,39,333 कोई डाउट है तो पूछो बेटा। आप समझ में आ गया सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? ये ध्यान रखना है, इसका वर्किंग नोट बनाना है। ये टर्नओवर बेसिस पे है, तो टर्नओवर कैसे निकाला आपने? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो जब डेथ हुई तब उसकी सेल थी 2,70,000, तो उस पर 27.77% था, ठीक है ना। तो इस पर प्रॉफिट आया 75,000, फिर उसका हिस्सा निकाला, हो गया ये कुछ। तो ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं, मैं इसके बाद और क्वेश्चंस कराता हूँ। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत, लव यू ऑल।